हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया और जो भी स्टूडेंट्स SO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉजिकल रीजनिंग है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ओके okay? तो अगर हम बात करते हैं वेरियस पोस्ट की एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि आई बी पी एस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कौन कौन सी है दैट आर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर एच आर पर्सनल राजभाषा अधिकारी नाउ इट डिपेंड्स कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ओके okay? आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी भी मर्जी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है मे बी दिस इज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मे बी दिस इज मार्केटिंग ऑफिसर मे बी दिस इज एच आर पर्सनल ऑफिसर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है इन दैट केस इन योर प्रीलिम्स एग्जाम इन प्रीलिम्स एग्जाम हेयर यू कैन सी यस आई टी ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड एच आर पर्सनल ऑफिसर एंड माइक मार्केटिंग ऑफिसर यस इंग्लिश के आपको प्रीलिम्स के अंदर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे 25 मार्क्स के रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के ओके okay? और अगर आपने अप्लाई किया है लॉ ऑफिसर या फिर राजभाषा अधिकारी के लिए इन दैट केस यस इंग्लिश सेम फिफ्टी क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स और यहां पे जो चेंज आया है वो चेंज कहां पे है जर्नल अवेयरनेस के अंदर मीन्स की जो थर्ड पार्ट था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है इन दैट केस इन योर प्रीलिम्स एग्जाम यू विल गेट 50 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे बट अगर आपने अप्लाई किया है किसके लिए लॉ ऑफिसर या फिर राजभाषा अधिकारी के लिए इन दैट केस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है आपका कैंसिल आपकी स्पेशल रेफरेंस रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस पे okay? और अफेयर्स। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों के अंदर ही दोनों के अंदर ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग दोनों में कॉमन है फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स सेम वे लॉजिकल रीजनिंग फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स मीन कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा yeah? अगर हम लॉजिकल रीजनिंग में भी देखें तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि इजी है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इज इजियर और जब हम इजी पार्ट की बात करें तो बट कि थोड़ी सी अगर हम प्रैक्टिस करें तो इस पार्ट को हम अपना एज बना सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर तो लॉजिकल रीजनिंग का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें भी मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे सबसे पहले आ जाता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट यू कैन गेट वन टू टू सीटिंग अरेजमेंट एग्जाम दैट मीनस कि आपके फाइव टू टेन क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट में से मिलेंगे अब अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट को भी डिटेल में देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको लीनियर अरेंजमेंट मिल सकती है हाँ जी अभी ध्यान से सभी नोट डाउन कर लेंगे लीनियर अरेंजमेंट ओके मल्टी लाइन अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट स्क्वायर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फेसिंग इनसाइड फेसिंग आउटसाइड नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग तो ये सभी कांसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर इन सभी पर्टिकुलर And, को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना देन पजल्स यस अगर हम बात करते हैं पजल्स की अगेन यू कैन गेट टू टू थ्री पजल्स टू टू थ्री पजल्स इन योर एग्जाम टू टू थ्री पजल मीन्स वेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन ऑफ पजल इन योर एग्जाम ओके okay? अब जो पजल्स आपने प्रिपेयर करने है वो आप कैसे पर्टिकुलर पजल्स को प्रिपेयर करोगे यू विल प्रिपेयर द पज़ल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे मंथ से रिलेटेड होगी मंथ्स डेज टाइमिंग ओके डेज इनसे रिलेटेड जो पजल्स होती है शेड्यूलिंग पजल आप प्रिपेयर करोगे ओके okay? इसके अलावा uh, जो बिल्डिंग्स वाली पजल्स होती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पजल्स ओके बॉक्स पज़ल हो गई आपके पास में मल्टीपल वेरिएबल बेस्ड पजल्स हो गई है तो ये सभी पजल्स एक जो पजल्स है जिसके अंदर आपका ब्लड रिलेशन और पजल दोनों को मिक्स कर दिया गया है तो इस तरह की जो पजल्स हैं उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना देन कोडिंग एंड डिकोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग के आपके फाइव क्वेश्चन पक्के हैं क्वेश्चन जब हम बात करें फाइव क्वेश्चन और इसके अंदर भी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आपको अलग अलग तरह की कोडिंग डिकोडिंग मिल सकती है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आपको मिल सकती है न्यू आजकल न्यू पैटर्न पे बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आ रही है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है यू कैन ऑल्सो गेट द बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग इन यूर एग्जाम ओके डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग आपको मिल सकती है सब्सिट्यूशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आपको मिल सकती है सो ऑल द नाइन टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग शुड बी क्लियर टू यू सारे नो की नो टाइप्स आपने क्लियर करनी है ऑल आर वेरी इजी ओके लॉजिकल अल्फाबेट्स जब आपका लॉजिकल अल्फाबेट्स का पार्ट क्लियर है इन दैट केस कोडिंग डिकोडिंग में भी ये हेल्पफुल रहेगा और इसके अंदर आपको वन टू टू सिंगल क्वेश्चंस भी लॉजिकल अल्फाबेट्स पे बेस्ड मिल सकते हैं जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर अल्फाबेट आपके पास गीवन और उसमें आपके पास क्वेश्चन आ जाता है यू विल टेक द सेकंड फोर्थ टेंथ लेटर एंड मेक द सेंटेंस सॉरी मेक द वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड्स इस तरह से आ जाता है या फिर uh, जो ये आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास में जो वो हैं वो का प्रीसीडिंग लेना है कॉन्सोनेंट का नेक्स्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि uh, जो नेक्स्ट लेटर है वो आपने लेना है ठीक है ना तो मतलब कुछ भी आ सकता है

सारे टाइप्स आपको क्लियर करनी है इसके अंदर भी सिलोजियम के, ओके इनपुट आउटपुट फाइव क्वेश्चन टेबुलेशन टेबुलेशन इज यू कैन से दिस इज पजल टाइप्स ओके मीन्स टेबल पे बेस्ड जो पजल्स होती है तो टेबुलेशन पे बेस्ड भी आपको मिल सकता है और यू कैन से कि यस दिस इज पार्ट ऑफ इट ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन पे आपको अब पजल की फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल सकता है कि आपके पास में एक पैराग्राफ गिवन है एंड यू मेक द फैमिली ट्री ओके एंड देन यू विल आंसर थ्री और फोर क्वेश्चन इट डिपेंड्स कि आपको ब्लड रिलेशन पे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके पास पैरा आता है तो तीन से चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है और अगर डायरेक्ट आता है तो वन टू टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे Ranking, again, 3 to 4 questions. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्ड फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन वन टू टू क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग फोर टू फाइव क्वेश्चन आर्थमैटिक रीजनिंग बात आती है क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या आता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दू कि जब आप एसओ SO के एग्जाम के खास करके जब आप आई ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं अगर आपका आई ऑफिसर का है ठीक है ना तो उसके अंदर देखिए आपका जो क्रिटिकल uh, रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर मिलेगा आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड अजम्पन ओके इसी तरह से रीजन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ओके okay? तो जो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे कोर्स ऑफ एक्शन तो इनके ऊपर भी अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर लेनी है आर्थमैटिक रीजनिंग मीन्स कि कुछ मैथमेटिकल uh, पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इजी लॉजिकल क्वेश्चंस ओके तो वन टू टू क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्जाम में ये भी मिले अब बात आती है कि डाटा सफिशियंस यहाँ पे मैंने इसको अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए स्किप किया था यस डाटा सफिशियंसी इज नॉट ए Uh, आप ये कहोगे टॉपिक नहीं है दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हाँ जी आपको ब्लड रिलेशन के तीन से चार क्वेश्चन मिले नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन मिल गया डाटा सफिशियंसी पे बेस्ड तो वो क्या हो गया आपका है तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बट वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में डाटा सफिशियंसी की आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर से डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में क्वेश्चन मिल गया आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में क्वेश्चन मिल गया तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले ओके okay? ये वाला पॉइंट सभी का क्लियर है कि आपको जो बाकी के जब टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में आपने डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी ने ओब्वियसली जब हमें फिफ्टी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में मिलेंगे तो हम किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते एंड दिस इज ईजी लॉजिकल रीजनिंग इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर एग्जाम ये कहिए आप तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है एंड यू कैन इजीली गेट आई कैन से हाँ फोर्टी फाइव तक आप ले सकते हो इसके अंदर फिफ्टी के अंदर से फोर्टी फाइव आप इजीली गेन कर सकते हो मार्क्स अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर ओके okay. तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे अपना लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन प्रिपेयर करना इन दैट केस वी आर प्रोवाइडिंग यू द लॉजिकल रीजनिंग यस हेयर यू कैन सी दिस इज लॉजिकल ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आईबीपीएसोलॉजिकल रीजनिंग कोर्स एंड हेयर यू विल गेट एट्टी वन लेक्चर्स ऑन दिस सेवेंटी फाइव टेस्ट आर अवेलेबल वन फिफ्टी एट पीडीएफ आर अवेलेबल 1014 प्रैक्टिस क्वेश्चन आर अवेलेबल अब यहाँ पे आप एक बार ट्रायल भी ले सकते हो देखिए यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं आप यहाँ से फ्री डेमो क्लासेस चेक कर सकते हो यू कैन ऑल्सो टेक द ट्रायल फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप ट्रायल ले सकते हो ओके okay? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका और जब आप इसके लिए रजिस्टर करते हो डेमो क्लासेस के लिए ओके okay? तो उन इन दैट केस यू विल हेयर कैन सी दीट कोर्स अब देखिए यहाँ से जब हम देखते हैं तो अभी आपको ये देखिए डेमो लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है ओके आप इस डेमो लेक्चर को चेक कर सकते हो डेमो लेक्चर को आप चेक कर सकते हो इसके अलावा यस दिस इज द डेमो लेक्चर अब हर एक लेक्चर के साथ में आपको क्या मिल रहा है वेब नोट्स आर अवेलेबल क्लास पीडीएफ इज अवेलेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एल्फान्यूमेरिक सीरीज का एक टेस्ट यहाँ पे जैसे अवेलेबल है जो भी आपका टॉपिक है उस पर्टिकुलर का आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ठीक एंड अगर आपको पूरा देखना है अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो भी एक बार मुझे पूरा इसको चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे आपके पास वन डे का फ्री ट्रायल अवेलेबल है जैसे आप वन डे का फ्री ट्रायल लेते हो इन दैट केस आपको पूरे कोर्स का ब्लू प्रिंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाए मीन्स कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं कितने कितने लेक्चर किन किन टॉपिक्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओके okay, ये यह यहां से एक्टिवेट हो गया आपका ये देखिए जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के थ्री लेक्चर्स आर अवेलेबल जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको पूरा डिटेल में कराया गया है ओके okay, जैसे एंड रैंकिंग के तीन लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है हर एक लेक्चर के साथ में आपको वेब वेब नोट्स पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है ओके okay? यस yes. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट के सिक्स लेक्चर्स अवेलेबल है जिसके अंदर जैसे लीनियर अरेंजमेंट डबल लाइन अरेंजमेंट स्केयर सर्कुलर सारा यहाँ पे अवेलेबल है ओके okay? सेम भी अगर हम पजल की बात करते हैं तो पजल के ट्वेल्व लेक्चर्स अवेलेबल है यस yes.

न कॉन्टेक्ट yeah? अभी भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कहीं भी कोई इश्यू आ रहा है इन योर ट्रायल इन दै केस अगेन यू कैन कमेंट इन दमेंट तो ये यहाँ पे पूरा अवेलेबल है आप इस तरह से इसको रजिस्टर कर सकते हो इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर तो so, बने रहिए अभी पीढ़िया के साथ Thank you.